आज हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम को हम नित्य करके अपनी छोटी छोटी बीमारियां जैसे कब्ज, एसिडिटी या पेट की कोई भी बीमारियां, किडनी से संबंधित या यहाँ तक कि कैंसर को भी हम नित्य प्राणायाम करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें को किसी भी एक मुद्रा का चयन करना है। मुद्रा में बैठकर हमें सांस को नाक के माध्यम से बाहर लेना है। ये याद रहे कि मुख बंद रहेगा, कमर सीधी रहेगी, आपकी आंखें बंद रहेगी और आपने सिर्फ ध्यान सांस को बाहर छोड़ने पे लगाना है। अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार आप सांस को बाहर छोड़ सकते हो। आपकी नाक से सांस बाहर आएगी, मुंह बंद रहेगा। हर सांस के साथ पेट अंदर जाएगा, हर सांस की आवाज आएगी। इसमें हमें ध्यान रखना है जिस भी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई गर्भवती महिला हो उसके लिए यह निषेध है, उसको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है वह कपालभाति प्राणायाम कर सकता है। आप अगर बैठ नहीं सकते तो आप लेट कर भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुर्सी पर बैठकर या जहाँ भी आपको ठीक लगे वहीं पर आप बैठकर कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो 2 से 5 मिनट 10 मिनट आप अपनी बीमारी के अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो यह था कपालभाति प्राणायाम। नमस्कार। ओम।